वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, आप कई दिनों से देख रहे होंगे, जब से ये फलस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं इंडिया में, खास करके पाकिस्तान में, वो लोग मीम शेयर्स कर रहे हैं कि कभी ये शेयर कर रहे हैं कि देखो इजराइल का उन्होंने जूता पहना हुआ है उसकी स्लिप्स पे, कोई शेयर कर रहा है कि वो पोछा लगा रहा है इजराइल के झंडे से, कोई टॉयलेट में दिखा रहा है इजराइल के फ्लैग्स को। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हैं, वो फेसबुक पे आकर के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर रहे हैं, फेसबुक पे गालियाँ लिख रहे हैं। इन सब तरह की चीज़ें आपके आसपास हो रही होंगी और आप उसे देख पा रहे होंगे इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं उन सभी लोगों से ये पूछता हूँ, क्या आपका इसराइल के फ्लैग से घर पर पोछा लगाना, व्हाट्सएप की डीपी चेंज करना, फेसबुक की डीपी चेंज करना, फेसबुक पर भद्दे कमेंट्स लिखना, क्या ये सभी चीज़ें फ़लस्तीनियों को किसी भी प्रकार से कोई मजबूती दे सकती हैं, या फिर क्या ये सभी चीज़ें अक्रॉस द वर्ल्ड जो मुसलमान हैं उनको किसी प्रकार की कोई मजबूती दे सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भैया पोछे का काम है पोछा लगाना और उसको निचोड़ के फिर उसे सुखा देते हैं, राइट। फेसबुक पे आपने जो लिखा है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप लिख रहे हैं, वो एक यहूदी का बनाया हुआ है, ज्यूज का बनाया हुआ है। यूट्यूब, जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज्यूज का बनाया हुआ है, राइट। ट्विटर, अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ज्यूज लॉबी। आपके घर पे 90% जो सामान होगा वो ज्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आया होगा, या फिर ज्यूज के माइंड से निकली हुई टेक्नोलॉजी के द्वारा आप तक वो पहुंचा होगा। तो एक बार आप सभी सब ये सोचें कि आप ये जो कमेंट्स लिखते हैं और आप मेम शेयर करते हैं, आप एक प्रकार का जो आपस में बात करते हैं, यार कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों से आप किसी भी प्रकार से इसराइल को कोई झटका पहुँचा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं पहुंचा सकते हैं। और इससे दोस्तों फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि कई बार इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों पर हमले किए, आक्रमण किए, हम लोगों ने बहुत बार बायकॉट किया कि ये बायकॉट करते हैं, वो बायकॉट करते हैं। उसका क्या हुआ यार, वो डे बाई डे कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, वो उसकी इकोनॉमी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में हो गई है। कैन यू इमेजिन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको और हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर क्रिटिकल रीजनिंग की जो कैपेसिटी है, जो ख़त्म कर दी गई है या ख़त्म हो गई है, उसे ज़िंदा करने की ज़रूरत है। एक जो रीथिंकिंग की बात होती है एक किसी कम्युनिटी के फ्यूचर्स के लिए, वो हमें करने की ज़रूरत है, हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी हमारी ऐसी लर्निंग हैं जिन्हें हमें डीलर्न करने की ज़रूरत है, जैसा इसराइलियों ने किया, जैसे जियोनिस ने किया। एक बार मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है ये ज्यूज़ बैशिंग के लिए नहीं है। ज्यूज़ में बहुत अच्छे ज्यूज़ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो हर एक कम्युनिटी में होते हैं, हिंदू में भी हैं, मुस्लिम्स में भी हैं, ज्योनिस्ट भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, हर कहीं हर तबके के लोगों में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को एड्रेस कर रहा हूँ जो चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं आज और कल, यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में। आप ये इमेजिन करिए कि एक मुल्क जो 1948 में बनता है वो कैसे बनता है। दिस इज़ द डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आप समझने के लिए समझिए, राइट, कि एक मुल्क जो 1948 में बनता है और आज यानी कि लगभग 70 साल के बाद उसका 35वां रैंक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसराइल में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इसराइल जो है वो लगभग $110 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, 105 के आसपास उसका इम्पोर्ट है बिलियन डॉलर्स का, राइट। तो ये सोचिए कि वो मुल्क जिसका आज से 70 साल पहले कोई स्थान नहीं था, कोई उसका वजूद नहीं था, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, आज के टाइम पे वो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रियों को टक्कर दे रहा है। उसका जो पोजीशन है वो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। वो क्यों हुआ? वो इसी वजह से हुआ चूँकि उन्होंने अपनी बहुत सारी जो लर्निंग्स थीं जो कि उनके फेवर्स में नहीं थी, उसे डीलर्न किया, डीलर्न करके अपनी एक नई लर्निंग बनाई, स्टार्टअप्स बनाए, इंडस्ट्रीज़ लगाई, यूनिवर्सिटीज़ खोले, वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। हाईएस्ट पीएचडी प्रोड्यूसर है इसराइल आज के टाइम पे, हर एक क्षेत्र में। तो तरक्की वो करेंगे, ना कि मैं। और दोस्तों मेरा मानना है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने अपोनेंट से सीख सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, और मैं इस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। आज के टाइम पर आप देखिए, जितने लोग ये घूम रहे हैं ना रेडिकल एलिमेंट्स या सेकेंडरी एलिमेंट्स में बोलता हूँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। उनको ये बताने की ज़रूरत है, आप आपस में बोलते हो, अरे यार कोई कुछ नहीं कर रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो यार, तुम कुछ कर रहे हो इसमें? व्हाट यू आर डूइंग,
राइट, टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर कम्युनिटी, वट एवर, राइट। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर वो कम्यून सेंस है, कम्युनिटी का सेंस है, तभी तुम इस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट शेयरिंग द पोस्ट और राइटिंग अ पोस्ट और प्रोटेस्टिंग वाइल यू नो उसका पूछा बना के, वट एवर इट इज़, राइट। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो कंस्ट्रक्टिव? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एडुकेशन पर जितना फोकस इसराइल ने किया है ना, उसने किसी ने नहीं किया है। और मैं दावे के साथ करता हूँ कि 56 मुल्क अरब देशों के हैं, अगर उन लोगों ने आज अपनी तालीम एडुकेशन पर खर्च किया होता, ध्यान दिया होता, तो आज शायद ये सिचुएशन नहीं होती। वहाँ पर दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते, इसराइल और पलस्ताइन, जो कि पहले था। अगर आप देखोगे 1948 से पहले जो प्रपोजल था यूएन का, वो यही था कि 45% लैंड पलस्ताइन को जाएगी, 42% उनको जाएगी, कुछ परसेंट यूएनओ के पास रहेगा, राइट। लेकिन ये चीज़ें उस समय नहीं मानी गई। और चूंकि मैं एक तरह से देखता हूँ कि शायद हमारी जो कम्युनिटी में है वो दूरअंदाजी में, या फिर जो एक विजन जो होता है उसकी एक कमी है, मुझे लगता है कि उस समय जो वो पूरा प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था इसराइल को। जो वो 48% उनको उस समय मिल रहा था या 45%, वो आज जो बचकर रह गया है लगभग 14-15%, वो नहीं होता, वो 45 या 48 ही रहता। तो एक विज़न की कमी है। तो सवाल ये उठता है कि आप वो विज़न लर्निंग डी लर्निंग कैसे करेंगे? एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए, कैसे सीखोगे? तो यार आपके पास आपके नेबर्स हैं, आप उनसे सीखिए कि आप किस तरह से सीख सकते हैं कि 70 सालों में अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आप कैसे 6% तक बढ़ा सकते हैं जैसे कि इसराइल ने बढ़ाया। आप ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया भर के डोनेशन से, ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से, आप अपने देश में इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप लगा के अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर सकते हैं, एक डेवलप इकोनॉमी बना सकते हैं, जो इसराइल ने किया। आपको याद होगा जो ज्यूज़ लार्ज स्केल माइग्रेशन जिसे बोलते हैं, ज्यूज माइग्रेशन या ज्यूज माइग्रेशन, जिसके तहत अक्रॉस दी वर्ल्ड ज्यूज जो थे वो माइग्रेट करके गए थे इसराइल 1948 के बाद में। तो जब वो माइग्रेट होकर गए थे तो उनमें कोई इंजीनियर गया था, कोई डॉक्टर गया था, कोई साइंटिस्ट गया था, कोई प्रोफेसर गया था, कोई डॉक्टर गया था। तो ये लोग वहाँ पर जा करके अपने देश को कंट्रीब्यूट किया है। सो मिसाल के तौर पर हरदिया पावर प्लांट, डेड सी वर्क, ये सब जो रशियन ज्यूज माइग्रेंट थे जो इसराइल गए थे माइग्रेट करके, ये उनके इनोवेशन से, ये उनके इंडस्ट्रीज थी जिनको बाद में नेशनलाइज कर दिया गया। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने इसराइल को इसराइल बनाया बिकॉज वो कैपेबल थे, वो अपने आप को बनाने में सक्षम थे इसराइल को, तब उन्होंने इसराइल बनाया एक पावरफुल देश। और उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो आपने, हमने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल सेक्रेटेरियन की पॉलिटिक्स करी, बहुत सारे सेक्स बनाए, हमने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए, हमने पॉलिटिक्स करी अरब वर्सेस नॉन अरब की, हमने पॉलिटिक्स करी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, वॉट एवर इट इज़, राइट। हमने कुल मिला के वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, बजाय उसके बाकी सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। और यहाँ पर एक बात समझने की ये ज़रूरत है, जो इसराइल बना है वो एक दिन में नहीं बना है, एक ये प्रोसेस का नाम है इसराइल, राइट। एक प्रोसेस के तहत बना है, वो पहले खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ। आपको याद होगा 2000 के टाइम पे, यानी कि 2000 के आसपास बैंकरप्ट हो गया था इसराइल पूरी तरह से। वो बैंकरप्ट हुआ, वो फिर से खड़ा हुआ। और यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बैंकरप्ट होने के बाद में अपने आप को इतनी जल्दी फिर से खड़ा कर देना, फिर से स्ट्रांग बना देना, ये सबके बस की बात नहीं होती, वही बहुत ही कम टाइम में, लगभग 10 सालों में। बहुत जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशन थे, विकसित राज्य थे, विकसित देश थे, वो ऐसा नहीं कर पाए। 2000 के समय जब इसराइल बैंकरप्ट हुआ तो उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो डबल डिजिट में थी, क्वार्टरली ग्रोथ उसकी 4% थी 2000 में, 2002 में लगभग 2% के आसपास आ गई थी, मतलब वहां पर हर दूसरा आदमी बेरोजगार था, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन 2011 के आते आते उसने आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया। अभी जो आईटी टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, एक डिफरेंट टॉपिक ये भी है, इस पर हम फिर से बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने लायक, जिनके माध्यम से बहुत सारी बातें खुलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन उन्होंने बाय हुक और क्रूक अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश किया, और देखते ही देखते वो फिर से एक एडवांस डेवलप्ड नेशन की स्टेट में आ गए। और आज के टाइम पे जो इसराइल है वो मल्टीपल इंडस्ट्री में हाईएस्ट परफॉर्मर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू नो सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, डायमंड पॉलिशिंग ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, वॉरफेयर ले लीजिए, राइट, पावर प्रोडक्शन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप उठा के, उनका जो स्थान है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, इट्स वेरी इंप्रेसिव, राइट।
तो कहने का मतलब ये है, जो मैं अपनी एक सब कहानियाँ सुनाई मैंने आपको इसराइल के बारे में, इस मौके पर जो अभी इतना वो अत्याचार कर रहा है प्लस्टाइन्स पे, इतना बहुत ब्रूटल हो चुका है वो, इतने सारे रॉकेट दागे हैं, इतने सारे लोगों का मर्डर हुआ है, इसके बावजूद मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ यहाँ से लर्निंग की जाए, और लर्निंग ये कि हम भी कुछ एफर्ट करें। अब देखिए, किसी भी मुस्लिम फैमिली से अगर 4-5 लोग होते हैं तो लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें से एक या दो बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है, बाकी सभी इधर उधर मौज मस्ती करते हैं। वो पता लगा खाला मामू चाचा ये सब हो रहा होता है। तो जो ये सब चीज़ें हैं वो हमारे डेवलपमेंट को तो अफेक्ट करती ही करती हैं, साथ साथ हमारे देश को भी अफेक्ट करती हैं। अब जैसे कि इसराइल की बात ले लीजिए, वहाँ पर एक ऐसा सेक्ट है, ऐसा तबका है जिसको ये माना जाता है कि उस देश की ग्रोथ में एक हर्डल है, अवरोधक है। फॉर इंस्टेंस, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनको बहुत ही मतलब ऑर्थोडॉक्स माना जाता है उस कम्युनिटी में, राइट? उनका ये माना जाता है कि उनका उस देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में उनका बहुत ही निचला स्थान है। तो ऐसी वहाँ पर कमियाँ हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है, राइट, उनके पास भी कमियाँ हैं, उन्हें इस पर भी और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम भी उस और तो नहीं जा रहे हैं, उस अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मोड में तो नहीं जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीथिंकिंग, डीलर्निंग, ये सब चीज़ें क्या नहीं है अभी? हालांकि इस्लामिक ट्रेडिशन में अगर देखा जाए तो जितने भी प्रॉफिट्स, पैगंबर, फिलोसोफर्स, सूफी सेंट्स हुए हैं, उन्होंने इन कॉन्सेप्ट पर बहुत ही जोर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अरब में क्या था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वहाँ पर बुत परस्ती होती थी, आइडल वर्शिप होती थी, हर तरह के वहाँ पर जो है टोटम्स हुआ करते थे, लड़कियों को दफना दिया जाता था पैदा होने से पहले। तो जब ये सब चीज़ें थी, जो ये सब लर्निंग्स थी उन अरब्स की, उन्होंने इन सब लर्निंग्स को डीलर्न करवाया। अल्कोहलिज्म था, प्रोस्टिट्यूशन था, ठीक है, लार्ज स्केल जमाखोरी होती थी रिसोर्सेज की, ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ के लोगों को डीलर्न करवाया गया इन सब चीज़ों को धीरे धीरे, और फिर उनको एक लर्निंग कराई गई जो कंस्ट्रक्टिव थी, जो ह्यूमन एस्पेक्ट में आके फिट बैठती थी। वो हम और आप भूल गए हैं। हम और आप कुरान को मानेंगे लेकिन कुरान की नहीं मानेंगे, प्रॉफिट को मानेंगे लेकिन प्रॉफिट की नहीं मानेंगे। तो बात यह है कि आप और हम सोचें कि जिस तरह से इज़राइल हाईली डेवलप्ड नेशन है, उस तरह से अरब्स क्यों नहीं हैं, राइट? अरब्स इसी वजह से नहीं हैं बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया भाई एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग, डी लर्निंग, इस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तेल निकल आया, लैम्बोर्गिनी ले ली, मस्त से भैया मस्ती में पड़े हैं, दुनिया जाए बस्ती में, ये सीन है उनका। तो उन पे तो आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने ऊपर सोचिए कि आप एज अ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ अ कंट्री और इंडिविजुअल यू नो मुस्लिम, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश को, अपने नेशन को या अपनी कम्युनिटी को, ये सोचने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस में आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी भी जानी पड़ेगी, आपको डिबेट करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से याद आया कि ये बताइए कि आप महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं? एक, दो या कुछ भी नहीं, मतलब किताबें छोड़िए अखबार पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ कंप्लेन मत करिए कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको इसराइल अरब वार की समझ नहीं है, मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, तो आप शायद मेरे हिसाब से आप बात करते हैं जब इस टॉपिक पर तो एक बेईमानी होती है। विदाउट पढ़े लिखे आप कैसे बात कर सकते हैं? आम ओपिनियन, यानी कि आप जो ऐसे एवं बातें बातचीत करते रहते हैं, बहुत ही घातक चीज़ होती है। अगर आप पढ़ लिख कर बात करोगे, अपने आर्गुमेंट को साउंड्स बनाओगे, लॉजिकल बनाओगे, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, गंभीरता से लेगा, नहीं तो आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे भैया क्या यार पंचर बनाने वाले लोग, अब्दुल जोक, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हमें और आपको देखनी और समझनी पड़ेंगी। मैं देखता हूँ लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जाते हैं, राइट, हमारे आसपास के लोग, लड़के लड़कियाँ दोनों। मैं देखता हूँ कोई स्कूल से शॉपिंग मॉल जा रहा है, कोई कहाँ भागा जा रहा है, कोई किधर भागा जा रहा है। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा यार? स्कूल में जब आपकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होगी, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे, तो आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट बनाओगे उन पर? वैसे भी अपना एजुकेशन सिस्टम हिला हुआ है आधे से ज़्यादा। अगर इस सिचुएशन में भी आप अगर स्कूल नहीं जाओगे, नहीं पढ़ाई करोगे, फिर आपका तो भाई ऊपर ही वाला मालिक है, अब क्या ही किया जाए इसमें। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा गुजारिश है आप सब लोगों से कि आप इस मुद्दे पर बात करें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप अपना अपना जो ग्रीफ है, अपना जो एंगर है, आपका जो राइट टू एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेस करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज़ एक साउंड ओपिनियन दीजिए, एक साउंड आर्ग्यूमेंट दीजिए, आप ऐसे मत बोलिए, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे नहीं तो। और इन सबसे परे जो मेन बात है वो ये है कि आप अपने आप को
पावरफुल बनाइए। पावरफुल से मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को एक नॉलेजेबल पर्सन बनाइए। अगर आप नॉलेजेबल बनेंगे तो आपका घर बनेगा, फिर मोहल्ला बनेगा, परिवार बनेगा, फिर पूरा देश बनेगा नॉलेजेबल एंड प्रोडक्टिव। तो आप सबसे पहले अपने आप पर काम करिए, अपने घर पर काम करिए, परिवार पर, मोहल्ले पर काम करिए और उसको एक रिसोर्सफुल एक मीनिंग्स में कन्वर्ट करिए इन सब चीज़ों को। कुछ इनोवेट करिए, कुछ डिस्कवर करिए, कुछ बनाइए, राइट। साइंस एंड टेक की दुनिया में कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाइए, जैसे कि आपके जो यहूदी हैं वो लेकर के आए हैं, राइट। फिर आके हम ये देखेंगे कि अब क्या करना है हमें एज ए कम्युनिटी, राइट। एंड बिलीव मी, जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, जब हर एक बच्चा एडुकेटेड होगा, हाईली एडुकेटेड, राइट, हाईली एडुकेटेड ह्यूमन बींग, उसके बाद में एक ह्यूमन रिसोर्स, बिलीव मी, आपको फिर अपना एंगर जो है बाथरूम में और पोछे पे और फेसबुक की वॉल पे नहीं दिखाना पड़ेगा। आप फिर आपके वर्ड्स बोलेंगे, आपके एक्शन बोलेंगे, जैसे समय इजराइल बोल रहा है, राइट। इस चीज़ को समझिए भाई आप। मैं आपको इसीलिए ये इतना लंबा टॉपिक हो गया, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं था, ये जो मैंने पढ़ रखा था, जो मेरे दिल में था, दिमाग में था, एक सीधी बात थी मैं आपसे कर रहा हूँ। तो अगर बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ पहले से ही। और आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है, समझना है, सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपकी मदद करूँगा जितना हो सकता है, राइट। सो बहुत लंबी बातचीत हो गई है, मीट अगेन एंटिल पीस।